हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एंड शैडल पॉइंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक के बेस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जिससे करके ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो यहां पे ये जो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज है, इसे हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही लोकल एक्सट्रीम वैल्यू को हम स्टेशनरी पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही लोकल एक्सट्रीम वैल्यू को हम क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। इन शॉर्ट, ये चार चीज में से कोई भी एक चीज पूछी हो तो समझ जाना क्या कि हमें क्या फाइंड करना है। जो भी फंक्शन एफ न्यूमेरिकल में देके रखा है, उसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम बोलने में और लिखने में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है वो फंक्शन की, ठीक है। और साथ ही साथ वो फंक्शन की शैडल पॉइंट भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। यानी हमें तीन चीज फाइंड करनी होगी, कौन सी? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और शैडल पॉइंट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा कि कैसे फाइंड करें सर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, शैडल पॉइंट। यानी कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करें, यानी कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें दिए गए फंक्शन के, यानी कैसे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किए, सारे एक ही बात है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, जो भी फंक्शन है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है, जिसे हम ये चारों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, और साथ साथ शैडल पॉइंट अलग से हमें फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करना होगा, हर एक न्यूमेरिकल के लिए एक ही कॉमन प्रोसीजर है, वो ही हमें याद रखनी है। तो यहां पे मैं प्रोसीजर लिख लेता हूं पहले, तो ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब वही प्रोसीजर आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब मैं प्रोसीजर लिखने जा रहा हूं। प्रोसीजर में क्या करना है, कोई भी जो फंक्शन हमें देके रखा है न्यूमेरिकल का, या एग्जाम में कोई एक फंक्शन एफ देके रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करा दो, यानी एफ एक्स का आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब वही फंक्शन को आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएट करा दो, तो एफ वाई का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एफ एक्स का वैल्यू एफ वाई का वैल्यू डिफरेंशिएट करा दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो हमें एफ एक्स का आंसर मिला उसे जीरो से इक्वेट करा दो, जो हमें एफ वाई का आंसर मिला उसे भी जीरो से इक्वेट करा दो। जीरो से इक्वेट कराने पर क्या फायदा होगा, इससे इक्वेट कराने पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, सम पॉइंट्स, ठीक है। कोई पॉइंट्स मिले, जैसे कि 1.1, 2.-1, कुछ भी, कितने भी पॉइंट हमें मिल जाएंगे अगर ऐसे इक्वेट कराते हैं तब, ठीक है। अब सपोज करते हैं हमें तीन पॉइंट मिले, ठीक है। तीन पॉइंट कैसे, 1.1 सपोज करते हैं, कितने भी पॉइंट मिल सकते हैं, 2.-1, 2.2, ऐसे कुछ तीन पॉइंट हमें मिले। अच्छा, अब हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए हम ढूंढेंगे आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू, हर एक पॉइंट के लिए। आर की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, सो आर की वैल्यू ढूंढेंगे एफ एक्स एक्स से, यानी फंक्शन को एक बार एक्स से डिफरेंशिएट कराया, दूसरी बार भी एक्स से डिफरेंशिएट कराया, जो आंसर आया आर का आंसर हो गया। एस का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, जो फंक्शन है उसे एक्स से डिफरेंशिएट कराओ, बाद में वाई से डिफरेंशिएट कराओ, सो एफ एक्स वाई का जो आंसर आया वो एस के बराबर होगा। और टी कैसे ढूंढेंगे, जो फंक्शन है उसे वाई से डिफरेंशिएट कराओ, वाई प्लस वाई से डिफरेंशिएट कराओ, तो जो आंसर आया वो हमारा टी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो याद रखो न्यूमेरिकल जब करेंगे तब यही अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब सर आर एस टी तो हमें मिल चुका है, अब आगे क्या करें, हर एक पॉइंट के लिए आर एस टी ढूंढना है यही इक्वेशन लगाकर। अच्छा, अब क्या करें, अब हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर वन ये इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, आर टी माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ठीक है। इससे ही फाइंड होगा, सारे वैल्यूज मिल चुके हैं। अगर आर टी माइनस एक्स स्क्वायर ये जो है ये हमारा अगर ग्रेटर देन जीरो है, और साथ ही साथ आर का वैल्यू लेस देन जीरो है, तब हम बोलेंगे
कि ये पॉइंट तीनों में से कोई भी सपोज ये पॉइंट का हमने किया तो ये कुछ कंडीशन हमें मिली, तो हम बोल देंगे ये पॉइंट हमें, ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन जो देके रखा है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी मैक्सिमा देगा। समझ में आया? उसी तरीके से RT माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको मिला ग्रेटर देन जीरो, लेकिन R का वैल्यू मिला आपको ग्रेटर देन जीरो, अब ग्रेटर देन जीरो है R का वैल्यू, इस पे से हमें मालूम चलेगा, तब हम बोल देंगे सपोज ये हमें मिला, ये कंडीशन मिली हमें 2-1 पे, तो हम बोल देंगे कि ये जो पॉइंट है वो दिए गए फंक्शन का मिनिमा है, और वहां पे हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है दिए गए फंक्शन की। और आखिरी कंडीशन लिख लेता हूं कौन सी, कि अगर आरटी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू जीरो से कम आया, नेगेटिव आ गया, तो हम बोल देंगे सपोज करते हैं 2-2 पे हमें ये कंडीशन मिली, ठीक है, इस पे से, तो 2-2 पॉइंट पे फंक्शन का ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, तो ये 2-2 पॉइंट कैसा हो गया, ये 2-2 पॉइंट हो गया ये फंक्शन के लिए शैडल पॉइंट, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी पड़ेगी आपको, कोई भी न्यूमेरिकल आप ये प्रोसीजर से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहली बात क्या, कोई भी जो फंक्शन देके रखा है उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें ढूंढना है, मैक्सिमम और मिनिमम हमें ढूंढना है, और साथ साथ शैडल पॉइंट भी ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन न्यूमेरिकल में देके रखा है उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कराओ, कुछ आंसर आया, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कराओ, कुछ आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आंसर आया एफ एक्स और एफ वाई के, उसे जीरो से इक्वेट करा देंगे। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि ऐसा करने पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, सपोज करते हैं हमें 3 पॉइंट्स मिले, ये वाले 3 पॉइंट्स मिले। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर एक पॉइंट के लिए इंडिविजुअली अलग अलग से हमें आर एस टी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एफ एक्स एक्स, एस की वैल्यू एफ एक्स वाई, T की वैल्यू एफ वाई वाई, यानी अब हमें R S T की वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा, बाद में क्या करेंगे हम, आर टी माइनस एस स्क्वायर ढूंढेंगे, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है और R का वैल्यू लेस देन जीरो है तो क्या बोल देंगे कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट पे ये कंडीशन मिली, ये जो पॉइंट है वो दिए गए फंक्शन का क्या है, दिए गए फंक्शन का मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी वो भी ढूंढ लेंगे। उसी तरीके से RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है लेकिन R का वैल्यू लेस देन जीरो है, ये कंडीशन सपोज करते हैं ये पॉइंट पे मिली, तो ये पॉइंट दिए गए फंक्शन का क्या है, दिए गए फंक्शन का मिनिमा है, ठीक है, और ये पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी ढूंढ लेंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है, RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो जब भी नेगेटिव आंसर आएगा तब हम सीधे ही बोल देंगे, सपोज ये पॉइंट पे आया तो सीधे ही बोल देंगे कि ये पॉइंट पे फंक्शन का ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, उसे हम बोल देंगे शैडल पॉइंट। शैडल पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिसमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ना मिलती हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल लिख के रखा है यहां पे, ये सॉल्व करते हैं वही प्रोसीजर अप्लाई करके, सारे न्यूमेरिकल में एक ही प्रोसीजर चलने वाली है। तो फाइंड दी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू यानी क्या, मैक्सिमा और मिनिमा या क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं विथ शैडल पॉइंट, ठीक है, किसका ढूंढना है, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 5 का, ये फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा और शैडल पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करते थे, एफ एक्स ढूंढो, एफ वाई ढूंढो, एफ एक्स एफ वाई को जीरो से इक्वेट कराओ तो कुछ पॉइंट्स मिलते थे, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स ढूंढते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स यानी ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कराना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो इसकी बात करें एक्स क्यूब की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब x के लिए y वाला टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। अब माइनस 3x की बात करें, तो माइनस 3x तो 3 लिख लेते हैं, अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 3e आएगा। अब वापस से x के लिए ये y वाला टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये 5e कांस्टेंट, तो जीरो, तो एफ एक्स हमें मिल चुका है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या फाइंड कर देंगे, एफ वाई फाइंड कर देंगे, एफ वाई यानी इसको अब वाई के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कराओ, सो एक्स क्यूब, वाई के लिए एक्स कांस्टेंट तो जीरो, वाई क्यूब क्या क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है। अब वाई के लिए एक्स वाली टर्म कांस्टेंट, सो जीरो इसका, माइनस
तो एल कॉन्स्टेंट है, वाई का डिफ्रेंशिएशन वन, फाई कॉन्स्टेंट तो जीरो, एफ एक्स एफ वाई मिल गए। अब क्या कराते थे हम, एफ एक्स को जीरो से इक्वेट कराते थे, एफ वाई को जीरो से इक्वेट कराते थे, तो कुछ पॉइंट्स मिलते थे, कैसे देख लेते हैं। सो एफ एक्स बराबर जीरो कर दो, सो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो कर दिया, यहाँ पे थ्री वाई माइनस ट्वेल्व बराबर जीरो कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो सकता है, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, थ्री 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 कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सो एक्स इज इक्वल टू रूट वन, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। ठीक है, एक्स का वैल्यू मिला। उसी तरीके से थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, सो थ्री फोर जा, सो वाई इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आना चाहिए। कुछ गलती किए हम, यही गलती किए, कौन सी गलती, कि ये y क्यूब का डिफरेंशिएशन कराना था, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, थ्री वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट फोर, सो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू। ठीक है, रूट के बाहर जब वैल्यू निकालते हैं तो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकती है, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, तो इक्वेट कराने पर अब हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूं। पॉइंट नंबर वन हमें कौन सा मिला है, एक्स और वाई, तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट मिला है वन कॉमा टू वाई का ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा मिला, दूसरा पॉइंट वापस से वन लेते हैं और इसका माइनस टू ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा मिला हमें, अब माइनस वन बाकी है, माइनस वन ले लो, यहाँ पे प्लस टू ले लेते हैं। चौथा कौन सा पॉइंट मिला, माइनस वन, इसका माइनस टू ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट्स तो मिल गए हैं, अब हर एक पॉइंट के लिए हमें आर एस टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं किसके लिए, पॉइंट नंबर वन के लिए। पॉइंट नंबर वन कौन सा है, वन कॉमा टू, तो ये पॉइंट के लिए आर एस टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, याद हो तो एफ एक्स एक्स कर देते थे। ठीक है, एफ एक्स एक्स कैसे करते थे, एफ एक्स तो है हमारे पास, ये रहा एफ एक्स, इसे और एक बार एक्स से डिफरेंशिएट करा दो तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एक्स हो जाएगा, सिक्स एक्स हो जाएगा, थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉन्स्टेंट है इसलिए। ठीक है, अच्छा अब आर का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, चेक कर लेते हैं, तो सिक्स एक्स किसके बराबर होगा, एक्स वन के बराबर होगा, तो वन, सो आर का वैल्यू कितना मिल गया, सिक्स मिल चुका है। ठीक है, उसी तरीके से एस का वैल्यू ढूंढेंगे, एस कैसे ढूंढते थे, एफ एफ एक्स वाई से ढूंढते थे, तो एफ एक्स तो है ही है हमारे पास, उसे अब वाई से डिफरेंशिएट कराना है, तो वाई के लिए एक्स वाला टर्म कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, थ्री भी कांस्टेंट जीरो, यानी एस का वैल्यू हमें मिला जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टी का वैल्यू ढूंढना है, टी का वैल्यू कैसे ढूंढते थे, एफ वाई वाई से ढूंढते थे। ठीक है, अच्छा एफ वाई वाई से कैसे ढूंढेंगे, ये रहा एफ वाई, इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और डिफरेंशिएट कराओ, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू वाई, यानी टू वाई इंटू थ्री, यानी सिक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस ट्वेल्व है तो कॉन्स्टेंट, तो उसका जीरो, तो टी का वैल्यू हमें कितना मिला, सिक्स, वाई कितना है, वाई टू है, तो टी का वैल्यू हमें मिला ट्वेल्व के बराबर। ठीक है, अच्छा तो ये क्या मिल गया हमें, आर एस टी का वैल्यू। अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसे ढूंढे, तो ये आर का वैल्यू सिक्स, टी का वैल्यू ट्वेल्व, एस का वैल्यू जीरो का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना मिला, ट्वेल्व सिक्स सेवेंटी टू, तो हम बोल देंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसा है, जीरो से बड़ा है, और साथ साथ में आर भी चेक करेंगे, आर कैसा है, आर भी जीरो से बड़ा है। अगर ये कंडीशन हमें मिलती है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो पॉइंट है उस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये पॉइंट पे फंक्शन का क्या मिलेगा, फंक्शन का मिनिमा मिल जाएगा, यानी ये पॉइंट पे क्या मिलेगा, फंक्शन का मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब फंक्शन का मिनिमा मिला, तो फंक्शन का मिनिमा तो मिला, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी कि फंक्शन के अंदर एक्स का वन वैल्यू और वाई का टू वैल्यू डालोगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ढूंढ लेते हैं वो भी। तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कैसे, ये फंक्शन है कितना है, वन कॉमा टू, यहाँ पे ये मिनिमा मिल रहा है, यानी इस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी ये फंक्शन की, कैसे, तो x की जगह 1 का क्यूब, y की जगह 2 का क्यूब माइनस 3, x की जगह 1 माइनस 12, y की जगह 2 प्लस 5। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू ये 1, ये 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 3 माइनस 24 प्लस 5।
आगे बढ़ते हैं, तो एफ वन टू ये पॉइंट कौन सा है, फंक्शन का मिनिमा, जिसपे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्यों मिनिमा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो पहले माइनस का कर लेते हैं, तो ये 24 माइनस है, ठीक है, और 24 और 20 ये 27 माइनस 27, तो माइनस 27 यहां पे लिख लेते हैं, माइनस 27 मिल गया। प्लस में कौन सा है, ये 14 हो गया, ठीक है, तो ये 14 हो गया, तो 27 माइनस 14 कर देते हैं, माइनस 27, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 माइनस 13, तो माइनस 13 हमें मिला फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये कौन सा हो गया, मिनिमा हो गया, और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की इतनी मिली, तो ये एक हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब किसके लिए ढूंढेंगे, अब हम ढूंढेंगे किसके लिए, सेकंड पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट कौन सा है, 1, -2, हर एक पॉइंट के लिए इंडिविजुअल आरएसटी ढूंढो, तो यहां पे आर का वैल्यू ढूंढते हैं, कितना होगा एफ एक्स एक्स, तो एफ एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स कितना है, सेम ही डिफरेंशिएशन तो सेम ही होगा इसका, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा होगा तो सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा 6x के बराबर, और 6x का वैल्यू 1 है, तो आर का वैल्यू वापस से 6 मिल गया हमें, ठीक है। उसी तरीके से s का वैल्यू ढूंढो, s कैसे ढूंढते थे, एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई तो है ही है, कौन सा है, एफ एक्स वाई, यहां पे डिफरेंशिएट कराते थे तो जीरो ही होता था, क्यों, इसका एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स के लिए टर्म कांस्टेंट तो जीरो, ये भी जीरो, यानी ये भी अब जीरो ही आएगा, एस का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। उसी तरीके से टी का वैल्यू ढूंढते थे, एफ वाई वाई कितना होगा, ये जो वाई है उसे, ये फंक्शन है एफ वाई, उसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई वापस कराएंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई वापस कराएंगे तो 6y ही आने वाला है, तो 6y लिख लो, ठीक है। t इज इक्वल टू 6, y का वैल्यू कितना है, अब y का वैल्यू -2 है, सो t का वैल्यू कितना मिला, -12 मिला है हमें, ठीक है। RST का वैल्यू मिल गया, कौन से पॉइंट के लिए, ये दूसरे पॉइंट के लिए। अच्छा, अब क्या करें, अब चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे सर, RT माइनस एस स्क्वायर, आर कितना 6, टी कितना -12, एस कितना 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -72, बस RT माइनस एस स्क्वायर कैसा आया, नेगेटिव आया, यानी RT माइनस एस स्क्वायर कैसा आया, लेस देन 0 आया। अगर RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो हम क्या बोलते थे कि ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट, इस पे ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, क्यों, क्योंकि RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये जो पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 2, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, शैडल पॉइंट हो गया, जहां पे ना ही मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा, तो ये आंसर हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे कौन सा पॉइंट नंबर 3 के लिए, तो पॉइंट नंबर 3 के लिए यहां पे फाइंड कर देते हैं, पॉइंट नंबर 3 कौन सा है, -1, -2, ठीक है। तो इसके लिए वापस से RST की वैल्यू फाइंड करो, तो R की वैल्यू क्या होगी, एफ एफ एक्स एस होगी, ठीक है, जो कि 6x के बराबर आएगी, ठीक है, और ये 6, अब x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो R कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से s की वैल्यू ढूंढोगे तो एफ एक्स वाई होगी, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, 0 ही आएगा, तो s तो 0 ही रहने वाला है, और लास्ट में t की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो एफ वाई वाई के बराबर, एफ वाई वाई के बराबर होगी, एफ वाई वाई ये रहा 6y, तो 6y, तो 6y कितना है, 2 है, तो ये 6 to the 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या मिल गया, t का वैल्यू हमें मिल गया। वापस से क्या चेक करेंगे, वापस से चेक करेंगे RT माइनस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, R कितना है -6, t कितना है 12, ये -0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -72 आया। वापस से RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आया, यानी कि ये पॉइंट पे फंक्शन का ना ही मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा, इसका मतलब ये पॉइंट फंक्शन के लिए कौन सा हो गया, शैडल पॉइंट हो गया, ये हमारा आंसर नंबर 3 आ गया। आखिरी पॉइंट अब देख लेते हैं, ठीक है, आखिरी पॉइंट कौन सा बचा हमारा, आखिरी पॉइंट बचा है हमारा, ये शैडल पॉइंट आ गया, ये भी शैडल पॉइंट आ गया, अब सॉरी ये शेडल पॉइंट कौन सा लिखा, पॉइंट नंबर 2 कहां, तो ये शेडल पॉइंट आया, ये भी शेडल पॉइंट आया, अब ये आखिरी पहला मिनिमा आ गया, अब आखिरी ढूंढ लेते हैं, तो आखिरी अब मैक्सिमा ही आना चाहिए, तो फोर्थ पॉइंट कौन सा है, -1, -2, इसकी बात करें तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू तो वही आएगा, कौन सा, 6x के बराबर,
सिक्स एक्स के बराबर, सिक्स एक्स यानी सिक्स का x का वैल्यू माइनस वन, तो r का वैल्यू माइनस सिक्स आ गया, ठीक है, r का वैल्यू माइनस सिक्स। एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एज यूजुअल जीरो आ जाएगा, क्यों जीरो आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स एक्स वाई इसका वाई के साथ तो जीरो, ठीक है, तो एस का भी जीरो। अब कौन सा बचा, अब बचा टी का वैल्यू, टी कैसे ढूंढे, एफ वाई वाई, एफ वाई वाई सिक्स वाई है, ठीक है, वाई का वैल्यू कितना है माइनस टू है, तो सिक्स माइनस टू ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ढूंढे, अब ढूंढे सर आर टी माइनस एस स्क्वायर, कैसे ढूंढेंगे, आर है तो आर माइनस सिक्स है, टी कितना है, ये रहा माइनस ट्वेल्व, ये जीरो का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व सिक्स सेवेंटी टू, लेकिन माइनस माइनस प्लस सेवेंटी टू आया, ठीक है। अच्छा तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या मिला हमें, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या मिला, जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन जीरो मिल गया। आर का वैल्यू चेक करो, आर का वैल्यू ये रहा, आर का वैल्यू क्या है माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स यानी लेस देन जीरो है, यानी जो आखिरी पॉइंट जो था हमारा ये वाला, उस पे आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है और आर का वैल्यू कैसा है लेस देन जीरो मिल रहा है, यानी कि ये पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है, या फिर ये पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम मिलने वाला है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन फंक्शन पे ये पॉइंट जो है फंक्शन का मैक्सिमा देगा, मैक्सिमा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फंक्शन के अंदर ये वाला पॉइंट रख देंगे, कौन सा, ये वाला पॉइंट रख देंगे, कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस वन कॉमा माइनस टू इज इक्वल टू, ये रहा फंक्शन, तो एक्स की जगह माइनस वन क्यूब प्लस वाई की जगह, प्लस वाई की जगह माइनस टू का क्यूब, फिर क्या है माइनस थ्री, एक्स की जगह माइनस वन, फिर माइनस ट्वेल्व, वाई की जगह क्या है माइनस टू, और ट्वेल्व वाई हो गया, प्लस आखिर में क्या बचा फाइव बचा, तो ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस ही रहेगा एट, ये हो जाएगा थ्री वन जो थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर प्लस फाइव, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एफ माइनस वन माइनस टू विच इज इक्वल्स टू ये ट्वेंटी नाइन, थर्टी टू, थर्टी टू माइनस नाइन, थर्टी टू माइनस नाइन यानी हो जाएगा थर्टी ट्वेंटी थ्री, ठीक है, तो ये 23 मिल चुका है, यानी ये 23 ये क्या बताएगा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताएगी। तो आपको लास्ट में आंसर लिख लेना है क्या कि एक्सट्रीम वैल्यूज पूछी है हमें, तो ये पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और ये पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्यों, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए, और ये जो बीच के दो और तीन पॉइंट है इस पे शैडल पॉइंट मिलने वाला है फंक्शन का। तो अगर ना समझ में आया हो तो वापस से एक बार ये वीडियो देख लेना, सो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।